गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। मैथ गुरु लर्निंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10 का मैथ चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर। जैसे कि प्रश्न नंबर 1 में बताया जा रहा है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात करें। तो आपको यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि इसको जो बनाना है, इसका हल जो करना है, वो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल करना है। दूसरा, गुणनखंड विधि द्वारा भी हम लोग हल कर सकते थे। इसके पहले चैप्टर में हम लोग गुणनखंड विधि को पढ़े थे, लेकिन इसमें आप लोगों को बनाना है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा इसको हल करना है। तो आइए देखते हैं इसको हल किस प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इस पहले वाले का गुणांक क्या है। सबसे पहले वाला का गुणांक 2 है, यहीं से काम आपका शुरू होता है। जो गुणांक रहेगा उसी से इन तीनों को डिवाइड करना है। यानी हम लोग इसमें इस तरह लिखेंगे 2x² / 2 -7x / 2 +3/2 0। अब जैसे कि हो गया, यहाँ पर 2 कट गया तो यहाँ बच गया x², यहाँ से बच गया 7x / 2, यहाँ से बच गया 3/2 0। अब दूसरा जो काम करना है, इसको 7x / 2 0, 3/2 को इस ओर ले जाना है, यानी -3/2। अब जो आपको काम करना है वो है ये सेकेंड वाले जो है, इसका जो गुणांक है इसके गुणांक का आधा कर देना है। यानी इसका गुणांक है 7/2, तो इसका आधा हो जाएगा 7 × 7 = 4 7/4। अब ये आधा करने के बाद जो काम करना है वो आधे को जो है उसके इसके वर्ग का योगफल आपको यहाँ पर निकालना है, और साथ ही में इसका भी आपको वर्ग का योगफल यहाँ पर दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे x² -7x / 2 +7/4 का स्क्वायर, इस प्रकार से आपको लिखना है, बराबर -3/2 प्लस फिर यही आपको यहाँ पर बैठाना है 7/4 का स्क्वायर, मतलब दोनों प्लस होगा। अब यहाँ पर आपका काम बनता है कि ये किस फॉर्मूला में बनता है। अगर यहाँ माइनस है तो a माइनस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, अगर आपके दोनों में प्लस रहेगा तो a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा। ये आपको देख करके करना है। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा a माइनस b होल स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ पर आपको कुछ करना है, -3/2 प्लस 7 × 49, इसमें वर्ग कर देना है 7 × 49 4 × 16। अब आपको यहाँ पर जोड़ घटा करना है, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ आपको निकालना है 16 और 2 का वर्गमूल, 16 और 2 का गुणनखंड हो जाता है, एलसीएम हो जाता है 16, 2 × 16 = 24, 16 का 16 यहाँ हो जाएगा 49। अब जो करना है इसी को फिर से लिखेंगे, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर 49 + 24 चला गया तो 25 बचता है, 25/16 यहां बना लेते हैं। तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर, यहां पर 25/16 हुआ, तो जब भी हम यहां पर वर्ग स्क्वायर को हटाते हैं तो क्या हो जाता है, यहां पर इसका रूट आ जाएगा, और रूट हमेशा जो भी होता है वो प्लस माइनस में होता है। तो x माइनस 7/4 बराबर 25 का हो जाएगा 5 और 16 का हो जाएगा 4, जो भी वैल्यू आएगा वो प्लस माइनस में होंगे। अब आपको यहाँ पर कुछ करना है, x बराबर, तो पहले हम लोग प्लस 16 को ले लेते हैं, 5/4 माइनस 7/4 उधर जाएगा तो यहाँ हो जाएगा प्लस 7/4। तो x बराबर यहाँ 4 लघुत्तम हुआ तो यहाँ बचेगा 5 और यहाँ पर बचेगा 7, तो x बराबर 7 और 5 = 12/4 कट जाएगा तो हो जाएगा 3। तो x का वैल्यू यहाँ पर कितना आ गया, 3 आ गया। इस प्रकार से आपको बनाना है। फिर आपको दूसरा बनाना है, x माइनस 7/4 यहाँ लिखना है और इसको फिर माइनस द्वारा भी करना होगा। तो माइनस द्वारा कैसे करेंगे कि आपको यहाँ पर लिखना होगा x बराबर, जैसे हम लोग यहाँ लिखे थे तो आपको 5/4 लिखना है, यहां पर आपको लिखना है माइनस 7/4। तो x बराबर यहां पर जो है आपको काम को करना है होगा इस प्रकार से
कि पहले यहाँ पर 5/4 आया, तो यहाँ पर जो है प्लस ही होगा, यहाँ पर आपको माइनस हो जाएगा। तो 4, क्योंकि एक बार हम लोग प्लस लेके किए थे और दूसरी बार हम लोग को जो करना है वो माइनस को लेके करना है, ठीक है। तो 4 यहाँ माइनस 5, यहाँ 4 7 हो गया। तो x बराबर 7 में 5 गया 2/4, 2 का 2 2 4, तो इस प्रकार से x का मूल जो है वो ज्ञात करना है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया है, और अगर नहीं आया है, कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा जितना जल्द हो सके उसका रिप्लाई करने का। तो अगर मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर और कमेंट अवश्य कीजिए, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो मैं हर रोज लाते रहता हूँ, और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए मेरा वीडियो इतना ही है। जय हिंद।